सलमान फोन नहीं उठा रहा है, आपको कोई फिक्र है कि नहीं? किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है शायस्ता भाभी, ये कोई फखर की बात नहीं है मेरी। हमारे खानदान में आज तक तलाक का नाम सुना है तुमने? मगर अफसोस, ये सब तुम लोग करवा रहे हो। कोई कुछ नहीं करवा रहा शायस्ता भाभी, सलमान अपने फैसलों में आजाद है। मैरिन ठीक कह रही है, सलमान समझदार है। मुझे सलमान की समझदारी पर शक नहीं है, मेरा कंसर्न तो सिर्फ ये है कि मोहब्बत और नफरत में उसको बेवकूफ तो बनाया जाता रहा है ना। आपका इशारा मेरी तरफ है क्या भाभी? प्लीज प्लीज मैरिन, मैं इस वक्त किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि अगर सलमान ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि पहले जैसा हो जाएगा। सलमान की जिंदगी में अरूज जैसी खुसर लड़की नहीं होगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सलमान फोन उठाओ। सलमान बेटा, इंसान के पास इख्तियार का होना अच्छी बात है, लेकिन इख्तियार के आते ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। मैं सब जानता हूं। सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता बेटा। बात सीधी सी अंकल, अरूज सारी रात घर से बाहर लापता रही है। और ऐसी लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सलमान, उरूज पर कोई इल्जाम मत लगाना। मास्टर साहब, मैं बात करती हूँ। सलमान, उरूज को घर से बाहर तुम ही ने निकाला है, वो अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं गई है। उरूज ऐसी लड़की नहीं है, इतना तो तुम जान ही गए होगे। यही तो मसला है कि वो अपने बारे में कुछ जानने ही नहीं देती। बेटा, जानने के लिए बीवी को एतमाद देना पड़ता है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अरूज ने अपने और मेरे दरमियान बहुत फासला कर दिया और बात अब मेरे भरोसे की। तुम उसकी दोस्त शांजे से राब्ता कर लेते ना, तो तुम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे होते। हेलो उरूज, शुक्र है बेटा तुमने मेरी कॉल तो अटेंड की। सलमान तो फोन उठा ही नहीं रहा मेरा। वो अब्बू के साथ है, अपनी अना की तस्कीन की खातिर वो फैसला सुनाने आया। नहीं नहीं बेटा, सलमान ऐसा नहीं है,
उसके दिलो दिमाग में नफरत भरने वाली मैरीन है। बच्चा नहीं है सलमान ताईजान, किसी ने उसके जहन में इतनी नफरत भर दी कि उसके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं रही। बेटा तुम इस बात को अंडरस्टैंड करो कि महरीन है जो सलमान के असाब को कंट्रोल करती है। कभी ममता के नाम पे तो कभी हमदर्दी के नाम पे। लेकिन मुझे तो हमदर्दी नहीं चाहिए ताईजान। मुझे तो सही और गलत में फर्क करने वाले सलमान की जरूरत है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम हिम्मत रखो, बल्कि तुम मेरी बात कराओ ना सलमान से, मैं खुद समझाऊंगी उसे। नहीं ताईजान, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के कहने पर सलमान अपनी राय कायम करेगा तो मुझे इसकी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर मैं सलमान से खुद ही बात कर लूंगी। लेकिन उरुज बेटा, अगर सुलह का मौका मिले तो इनकार मत करना। क्योंकि जिस उरुज को मैं जानती हूं ना, वो तो बस सुलह करना चाहती है ना? चलो अपना ख्याल रखना, करती हूं मैं फिर बात। जानती हो ना कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। और मैं किसी को भी अपने प्यार के दरमियान रुकावट नहीं बनने दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा।